Guys, you know very well that whenever any producer produces a commodity or marketed commodity, जब भी उसकी marketing करता है या production करता है तो वो उस commodity के demand के बारे में जरूर एक survey करता है. Means what is the demand for that commodity and in the region, जिस क्षेत्र में उसे उस सामान को बेचना है या marketing करनी है, उस region का लोगों का मतलब कस्टमर्स का इनकम लेवल क्या है, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, व्हाट दे प्रेफर. बस देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन विच द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिपेंड्स और उसको कंसीडर करते हुए द प्रोड्यूसर टेक्स द डिसीजन वेदर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी और नॉट. मतलब डिमांड हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ एनी प्रोड्यूसर. तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिमांड and the factors affecting the demand. So, hello guys, I am Sandeep Kumar Sinha. Welcome to my channel where you will find videos on topics of economics related to academics and competitive examinations. So, let us start the video. Demand is one of the forces along with the supply of the commodity that is helpful in the determination of the price. Means it is one of the forces. Supply ko ke alawa ye dusra force hai jo price fixation mein madad karta hai. Determining the price of a commodity, kisi bhi commodity ka price bazar mein tay hota hai do factors ke dwara. Ek hai hamara supply of that commodity and another one is the demand of that commodity. And because of the fact that it is effective in the determination of the price of the commodity in the market, it is called as effective demand. And effective in the determination of the price of that commodity in the market. Now let me ask one question. Hum bazaar kyun jaate hain? Obviously, for making the purchase of the commodity. It means there is a desire for that commodity. Why? Because it fulfills our requirement. वो सामान मेरी जरूरत पूरी करता है, इसलिए हमें उस सामान की जरूरत है. मीन देयर इज अ डिजायर फॉर दैट कमोडिटी. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड. सेकेंड वन, अगर हमें वो सामान चाहिए तो क्या दुकानदार हमें वो ऐसे ही दे देगा सामान? नो, आई हैव टू मेक द पेमेंट. जो उसकी कीमत है उस सामान की, उसकी पेमेंट हमें दुकानदार को करनी होगी, तब वो सामान हमें देगा. मतलब सेकेंड कंपोनेंट जो हमारा है वो क्या है हमारा, दैट इज एबिलिटी टू पे. मतलब उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए टू पे द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, टर्म्ड एज एबिलिटी टू पे. एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस टू पे, मींस द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी और स्पेंड द मनी. खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए. मतलब जो तीन कंपोनेंट्स हैं इफेक्टिव डिमांड के वो क्या क्या हैं, द थ्री components of effective demand. Number one, desire for that commodity. Number two, ability to pay. Second component, ability to pay. Matlab pay the price. That is money or means should be there. Jo bhi uske paas पैसा होना चाहिए परचेजर के पास टू परचेज. एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस टू पे, दैट इज टू स्पेंड मनी. विलिंगनेस टू पे, दैट इज टू स्पेंड. तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स. नाउ व्हेनेवर वी मेक द परचेज ऑफ एनी कमोडिटी तो वी ऑलवेज लुक एट द क्वांटिटी एंड द प्राइस. हाउ मच टू परचेज एंड एट व्हाट प्राइस इन व्हाट टाइम पीरियड. But the demand is always expressed in, this demand is always expressed in three, that is first one is quantity. Demand always expressed in quantity, means how much to purchase, price, at what price and time. These are the three factors in which the demand is expressed. Now how can we define demand? डिमांड फॉर एनी कॉमोडिटी, जो भी डिमांड हमारा है वो क्या है,
किसी भी कमोडिटी का एक क्वांटिटी दैट द परचेजर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज. तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इट रेफर्स टू द क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी का वो क्वांटिटी दैट अ परचेजर मीन्स एज अ पर्सन डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी का वो क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी दैट द परचेजर इज विलिंग एंड एबल, दैट द परचेजर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज, विलिंग एंड एबल टू परचेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो भी बाजार में उस वक्त उस कमोडिटी की कीमत है उस कीमत पर जितना भी क्वांटिटी परचेज करने को तैयार हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक समय में बाजार में जो भी कीमत है उस सामान की उस कीमत पर कितना हम कोई भी परचेजर खरीदने को तैयार है या विलिंग है एबल टू परचेज दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिमांड. नाउ द क्वेश्चन राइजेज व्हाट आर दोज फैक्टर्स ऑन विच द डिमांड डिपेंड्स, मतलब डिमांड किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दोज फैक्टर्स. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर, पहला जो फैक्टर हमारा है वो प्राइस है उसी कमोडिटी का इन द मार्केट. इस फैक्टर्स अफेक्टिंग का फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी इन द मार्केट दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. लेट द कमोडिटी बी एक्स एंड देन द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी एक्स बी इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल दैट इज पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. क्वांटिटी डिमांडेड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, क्वांटिटी डिमांडेड of commodity X is inversely proportional to the price of the commodity X. मतलब जो भी price है commodity का उसके साथ quantity demanded का उल्टा रिश्ता है if other factors remaining constant. बाकी जितने भी factors हैं if they remain constant then there is an inverse relationship between the price and its quantity demanded. मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस जो है इस कमोडिटी एक्स का इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इंक्रीजेज देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस कमोडिटी डिक्रीजेज. और कहते हैं इफ द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी एक्स डिक्रीजेज देन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स दैट इज इंक्रीजेज. मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्सली रिलेटेड है ना द क्वांटिटी इज विद द प्राइस दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता है. तो इन दोनों के रिश्ते को अगर हम एक ग्राफ की मदद से अगर प्रेजेंट करें तो कैसा हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा जो एक्स एक्सिस पर सपोज क्वांटिटी डिमांडेड है एंड वाई एक्सिस पर दिस इज प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी एक्स एंड ऑन दिस वाई एक्स एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस कमोडिटी एक्स दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डीडी इज द डिमांड कर्व दैट रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप between the price of the commodity and the quantity demanded. If the price is P0, OP0, then the quantity demanded is OQ0, and if the price increases from this OP0 to OP1, then the quantity demanded decreases from OQ0 to OQ1. मतलब price के बढ़ने से demand घट जाता है, और अगर price घट जाता है, suppose it decreases to OP1, then the quantity demanded of this commodity X increases. But there is a because of the inverse relationship between the two, ये जो line जो हमारा है DD demand curve है that represents the relationship between the two that is inverse relation. दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता है, मतलब एक के बढ़ने से मतलब price के बढ़ने से demand घटेगा और price के घटने से demand बढ़ेगा. Now come to the second factor. Second दूसरा factor जो है जो
क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट करता है वो क्या है, दैट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को हम दो डिविजन्स में बांटते हैं, एक हमारा है कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। दिस रिलेटेड गुड्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होता है, मीन्स गुड्स यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। फॉर एग्जाम्पल टी, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड पेंसिल, शुगर एंड जैगरी, चीनी और गुड़, एंड द सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब कहते हैं दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर, जो दोनों एक साथ इस्तेमाल होता है, मतलब इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, डिमांड नहीं है, दोज गुड्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब गुड्स यूज टूगेदर, एक साथ इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, गाड़ी और पेट्रोल, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, पेन एंड इंक, तो दीज आर द टू गुड्स द प्राइसेज ऑफ विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी कॉमोडिटी। तो वन बाई वन लेट अस एक्सप्लेन, फर्स्ट कम टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेट अस सपोज दैट प्राइस ऑफ टी बी पी टी, क्वांटिटी ऑफ टी बी क्यू टी, प्राइस ऑफ कॉफी लेट इट बी रिप्रेजेंट बाई पी सी एंड क्वांटिटी बाई क्यू सी। अब क्या है, सपोज प्राइस ऑफ कॉफी कॉन्स्टेंट, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का प्राइस न घटा न बढ़ा, कॉन्स्टेंट है, बट देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, मीन्स प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज, चाय का दाम बढ़ गया, कॉफी की कीमत वही रह गई, न बढ़ी न घटी। तो क्या होगा, अब जो चाय पीने वाले हैं, मतलब टी कंज्यूमर्स जो हैं, उनको अब कॉफी चीपर लगेगा, सस्ता लगने लगेगा, सस्ता हुआ नहीं, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी एंड ओनली इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, टी का प्राइस बढ़ गया, बट द टी कंज्यूमर्स वुड फील दैट द कॉफी इज नाउ चीपर देन टी। मतलब देयर इज अ शिफ्ट ऑफ कंजम्पशन, दैट इज देयर इज अ शिफ्ट ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम टी टू कॉफी, चाय पीने वाले लोग अब कॉफी पीना शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनको कॉफी सस्ता लगने लगा। मतलब क्वांटिटी जो था, क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी, मतलब दैट इज क्यू सी, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी दैट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हुआ किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, टी का दाम बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी का बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी जो डिमांडेड था कॉफी का, है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ टी, इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दोनों के बीच ये सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ द प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अगर ये हमारा बढ़ता है, मीन्स प्राइस टी इंक्रीजेस, देन क्वांटिटी ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, तो इसका अपोजिट भी होगा, इफ द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस, अगर प्राइस टी का घट जाएगा तो क्या हो गया हमारा, अब क्वांटिटी जो होगा कॉफी का भी घटेगा, क्योंकि कॉफी पीने वालों को अब चाय लगेगा सस्ता, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि तब ये शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम कंजम्पशन फ्रॉम कॉफी टू टी। मीन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इन क्वेश्चन। नाउ दिस रिलेशनशिप
कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, है ना। हमने देखा क्या कि प्राइस के घटने से हमारा जो है डिमांड घट गया, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ गया। किसका प्राइस? सपोज ये प्राइस था हमारे यहाँ पर क्या, टी का, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी, तो दैट इज द ग्राफ वुड बी एन अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज द डिमांड कर्व, है ना, ऑफ द कॉफ़ी विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ टी। मीन्स इफ द प्राइस ऑफ टी वॉज इनिशियली सपोज एट पी जीरो, इट इंक्रीज फ्रॉम पी जीरो टू पी वन, देन द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम दिस ओ क्यू जीरो टू ओ क्यू वन, मतलब बढ़ गया। एंड इफ द प्राइस ऑफ टी डिक्रीज टू पी टू, देन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज टू ओ क्यू टू, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर इसको ग्राफ से खींचेंगे, दोनों को अगर प्रेजेंट करेंगे एक साथ, यहाँ पे प्राइस टी का है और क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी का है, बट इफ वी टेक दिस प्राइस एज अ कॉन्स्टेंट पार्ट, मीन्स प्राइस ऑफ दिस कॉफी, इसको हम जनरली जब भी प्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को तो बाय द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, लेकिन अगर इसी को अगर हम इसके प्राइस के रेस्पेक्ट में क्वांटिटी कॉफी का अगर एक्सप्रेस करेंगे तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, दैट इज द प्राइस इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, एंड इवन दो देर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कॉफी, इनिशियली द डिमांड कर्व वॉज डी डी, एंड डी डी डिमांड कर्व था, क्वांटिटी वॉज ओ क्यू जीरो, एंड नाउ द क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम ओ क्यू जीरो टू ओ क्यू वन, प्राइस इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इवन दो देर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कॉमोडिटी दैट इज कॉफी। कॉफी का डिमांड बढ़ गया, प्राइस जो हमारा है ये कॉन्स्टेंट है, न बढ़ा न घटा, मीन्स प्राइस रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, ये हमारा यहाँ पर है, दैट इज द डिमांड कर्व और शिफ्ट। सिमिलरली इफ द प्राइस ऑफ दैट इज कॉफी रिमेनिंग दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड इवन दो देर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफी, देन द कर्व वुड बी शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड। ये हमारा क्या शो करेगा कि प्राइस जो था हमारे यहाँ पर जो था कॉफी का, ये हमारा न बढ़ा न घटा, तो वाई दिस डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी। तो चाय का दाम घटने से डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा, बढ़ने से राइट शिफ्ट करेगा। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर, एंड वन एग्जाम्पल इज रिटन दैट इज कार एंड पेट्रोल, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब दोनों एक साथ इस्तेमाल होगा। नाउ सपोज द प्राइस जो हमारा यहाँ पर है ये कार का, सपोज दिस इज पी सी, क्वान्टिटी कार क्यू सी, कार ऑफ पेट्रोल दैट इज बी पी पी, एंड द क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोल दैट इज क्यू पी। अब सपोज कहते हैं प्राइस जो है पेट्रोल का बढ़ गया, इंक्रीजेस प्राइस ऑफ पेट्रोल दैट इज इंक्रीजेस, एंड प्राइस ऑफ कार रिमेंस कॉन्स्टेंट, कार का कीमत ना बढ़ा ना घटा, दैट रिमेंस कॉन्स्टेंट एट द सेम लेवल इन द मार्केट, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व ड्यू टू दिस चेंजेस, क्वांटिटी ऑफ कार दैट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो ट्रैवलिंग कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा और कार का क्वांटिटी डिमांडेड घट गया, इवन दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कार इन द मार्केट, कार का मार्केट में प्राइस जो था वही रह गया, मतलब प्राइस जो था पेट्रोल का दैट इंक्रीज एंड द क्वांटिटी ऑफ कार दैट इज डिक्रीज्ड। ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप, दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता है। सिमिलर रिलेशनशिप इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल that if it decreases then the quantity demanded of car would increase, that is the inverse relationship। मतलब quantity जो demanded है हमारा यहाँ पर किसका? car का, that is inversely proportional to the price of that is petrol। मतलब ये inverse relationship between the price of complementary goods and the quantity demanded। तो अब graph देखते हैं complementary goods के प्राइस के और डिमांड के साथ में कैसा होता है। अगर हम ग्राफ में वाई एक्सिस पर प्राइस जो था जो हमने लिया था किसका? पेट्रोल का, और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी जो होगा वो कार का, अगर हम प्लॉट करते हैं देन द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द इन्वर्स रिलेशनशिप द कर्व वुड स्लोप डाउनवर्ड, जो भी कर्व होगा वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब पेट्रोल का प्राइस जो था पहले अगर बढ़ गया
तो हमने क्या देखा था कि क्वांटिटी डिमांडेड कार का घट गया फ्रॉम OQ0 टू OQ1 डिक्रीज्ड इज देयर एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल दैट इज फ्रॉम P0 टू P2 क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम Q0 टू Q2 मतलब दैट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू दैट इज टेकिंग द टू क्वांटिटीज वन इज द price of petrol, another one is the quantity of car demanded. Now, if it is shown by the constant price of the car, means price of car remains constant, and even though there is an increase in the quantity of car or decrease in the quantity of car, let the curve be, original curve be DD, original DD demand curve hamara hai. Ab hamara kya hai? Price constant at P0. To क्या हो गया हमारा राइटवर्ड शिफ्ट. अब हमारा यहाँ पे दाम कांस्टेंट है एट OP0 एंड इवन दो देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार एंड दैट दिस राइटवर्ड शिफ्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हाट. डिमांड कैसे बढ़ा? प्राइस हमारा कार का कांस्टेंट है तो डिमांड कैसे बढ़ा? तो पेट्रोल का दाम घटने से. दिस इज हमारा है ड्यू टू डिक्रीज. मतलब डिक्रीज किसका? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट इज पेट्रोल. पेट्रोल का दाम घट गया तो डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ कार इंक्रीज एंड नाउ दैट इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट D" लेफ्टवर्ड शिफ्ट दैट इज सिंपली शोइंग द प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट एंड देयर इज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार एंड दिस टेक्स प्लेस दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल. मतलब पेट्रोल के दाम के बढ़ने के कारण डिमांड घट गया और डिमांड बढ़ गया ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल. इनवर्स रिलेशनशिप दोनों का है बट दिस इज कॉल्ड अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट और लेफ्ट. अब जो तीसरा फैक्टर है वो है कंज्यूमर्स का इनकम दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सपोज हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल वाई से. वाई मीन्स इनकम. तो इनकम के साथ दो रिश्ता है. इनकम बढ़ा तो डिमांड क्वांटिटी जो होगा उस क्वांटिटी का बढ़ता भी है और अगर इनकम बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता भी है. ये जो हमारा इफेक्ट है ये क्या कहलाता है? दैट इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट. पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब कहते हैं कि इनकम के बढ़ने से डिमांडेड क्वांटिटी जो भी होगा उस कमोडिटी का बढ़ेगा. तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स. मतलब दो केसेज है. ये डिपेंड करता है कि गुड्स कैसा है, नॉर्मल है या इन्फीरियर गुड्स है. और इस केस में इनकम के बढ़ने से डिमांड घट जाता है दैट इज सेट टू बी नेगेटिव इनकम इफेक्ट. मतलब इनकम बढ़ा लेकिन उस कमोडिटी का डिमांड नहीं बढ़ा, घट गया, कॉल्ड एज नेगेटिव इनकम इफेक्ट. ये किस केस में होता है? इफ द गुड इज एन इन्फीरियर वन. इन्फीरियर और नॉर्मल इज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ दैट गुड. क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका रिश्ता इनकम के साथ है. अगर इनकम के बढ़ने से किसी भी कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है तो उसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं और इनकम के बढ़ने से अगर डिमांड किसी कॉमोडिटी का घट जाता है तो उसे हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं. मतलब दो तरह का दो इफेक्ट हमारा है विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनकम ऑन द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी. नाउ वन थिंग टू बी नोटेड हियर कि कोई भी गुड्स नॉर्मल या इन्फीरियर नहीं होता. ये इस पर डिपेंड करता है कि इसका रिलेशनशिप कंज्यूमर्स के इनकम के साथ कैसा है. अगर इनकम के बढ़ने से अगर किसी भी कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाता है तो नॉर्मल गुड्स है, इनकम के घटने से डिमांड घट जाता है तो वो इन्फीरियर गुड्स है. मतलब सेम गुड कैन बी नॉर्मल एंड एट द सेम टाइम इन्फीरियर फॉर अनदर पर्सन. टेक फॉर एग्जाम्पल, सपोज कहते हैं कि इनकम इंक्रीजेज. टू सिचुएशंस आर देयर. फर्स्ट सिचुएशंस में हम सपोज कहते हैं ये क्वांटिटी, हम दो समान इस्तेमाल करते हैं. क्वांटिटी फैन है हमारा यहां पर लेते हैं एंड क्वांटिटी दैट इज कूलर. नाउ इनिशियली आई वॉज यूजिंग फैन. पहले हम फैन इस्तेमाल कर रहे थे, अब हमारा इनकम बढ़ गया. नाउ कैन आई कैन अफोर्ड मोर. तो कूलर अब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम शिफ्ट कर जाएंगे फैन से कूलर की तरफ. मतलब डिमांड बढ़ा किसका? कूलर का. अब फैन का डिमांड घट गया, फैन का डिमांड घटा, कूलर का डिमांड बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम. तो यहां पर क्या हो गया हमारा यहां पर? कूलर जो हमारा यहां पर है, कूलर दैट इज अ नॉर्मल गुड्स एंड फैन
इज इंफीरियर गुड, तो नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी से कोई लेना देना देना नहीं है हमारा यहाँ पर, मतलब क्वालिटी ना किसी का अच्छा है ना खराब है, बस रिस्पेक्ट विथ टू इनकम, वो क्या चेंजेस है डिमांड में। तो यहाँ कूलर का चूंकि डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, दैट इज कि ये हमारा कूलर हो गया नॉर्मल गुड और फैन हो गया हमारा इन्फीरियर गुड। नाउ टेक फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वन, अगर सेम क्वांटिटी यहाँ लेते हैं कूलर का, नाउ इनिशियली हम पहले कूलर इस्तेमाल कर रहे थे एंड नाउ आई स्विच टू एसी ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अब हमारा इनकम बढ़ गया, पहले कूलर इस्तेमाल कर रहे थे अब हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एसी, क्योंकि हम एसी अफोर्ड कर सकते हैं उस इनकम इंक्रीज पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, कूलर, कूलर इज इन्फीरियर, तो सेम कॉमोडिटी हियर इट वॉज नॉर्मल, हियर इट इज इन्फीरियर, एंड दिस इज द एसी, हियर इट इज नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल या इन्फीरियर गुड्स इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न, दैट इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कोई भी गुड ना तो नॉर्मल है ना तो इन्फीरियर है, यह सिर्फ डिपेंड करता है कि उसका कंजम्पशन पैटर्न कंज्यूमर्स का क्या है, एंड अकॉर्डिंगली दोज गुड्स आर टर्म्ड एज नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नाउ द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब इफ द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर डेवलप्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी देन द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस, मीन्स इफ इन फेवर टेस्ट डेवलप देन क्वांटिटी जो था हमारा डिमांडेड दैट इंक्रीजेस, ये बढ़ जाएगा, एंड इफ अगेंस्ट द कमोडिटी, अगर टेस्ट डेवलप कर जाता है उस कमोडिटी के अगेंस्ट देन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, मतलब देयर इज है ना अ सिंपल रिलेशनशिप, व्हेनेवर देयर इज अ टेस्ट इन फेवर डिमांड इंक्रीजेस एंड टेस्ट अगेंस्ट देन देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, इफ द साइज इंक्रीजेस, अगर साइज पॉपुलेशन का बढ़ जाता है इट मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स देन द डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड क्वांटिटी जो होगा हमारा वो बढ़ जाएगा जब भी साइज पॉपुलेशन का बढ़ेगा तो, एंड द अपोजिट इफ द साइज डिक्रीजेस देन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीजेस, कंज्यूमर्स का नंबर घट जाता है और डिमांड भी घट जाता है, दैट इज डिमांड डिक्रीजेस, ये हमारा है दूसरा रिगार्डिंग साइज। नाउ द सिक्स्थ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस इन द मार्केट इन फ्यूचर, मतलब जिस कमोडिटी का डिमांड स्टडी करते हैं उसका प्राइस भविष्य में चेंज अगर करने वाला है, मतलब बढ़ने वाला है या घटने वाला है, तो उस पर भी उस कमोडिटी का डिमांड डिपेंड करता है। तो फर्स्ट दो सिचुएशन हमारा यहाँ पर, फर्स्ट केस जो हमारे यहाँ लेते हैं कि सपोज प्राइस जो हमारा है यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू राइज, कल अगर दाम सपोज बढ़ने वाला है तो एज अ कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर हम क्या करेंगे, अगर कल कीमत किसी सामान का बढ़ने वाला है एंड दैट कमोडिटी इज डिजायर्ड बाय मी, तो हम उसका परचेज आज करेंगे, मतलब प्रेजेंट डिमांड बढ़ेगा, मतलब परचेज जो हमारा अभी करेंगे तो प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगा, अगर कल भविष्य में अगर दाम बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ेगा, है ना, बिकॉज द कंज्यूमर हैज गॉट अ रैशनल बिहेवियर। एंड सेकेंड वन, इफ द प्राइस एक्सपेक्टेड टू फॉल या डिक्रीज, प्राइस अगर घटने वाला है भविष्य में, कल अगर दाम घटने वाला है तो हम क्या करेंगे, आज नहीं खरीदेंगे कल खरीदेंगे, मतलब जो भी होगा प्रेजेंट डिमांड जो होगा वो घट जाएगा, मतलब प्रेजेंट डिमांड डिक्रीजेज, मतलब दैट इज द सिंपल बिहेवियर ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट माई चैनल
फॉर द टॉपिक्स ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, है ना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मोर एंड मोर सच वीडियोज वुड आई प्रेजेंट बिफोर यू। थैंक यू वेरी मच।